સાથે કોમલ અગ્રવાલ શરૂઆત કરી મહત્વના સમાચારોથી તો કેન્દ્ર ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા આજે અમદાવાદ શહેરમાં રૂપિયા 1,003 કરોડના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા વિવિધ વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત આજે કેન્દ્ર ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું। એ દરમિયાન અમિત શાહે 924 કરોડના વિકાસ કામોનું ઈ લોકાર્પણ કર્યું। મોન્ટી કાર્લો ઓક્સિજન પાર્કનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। મકરબા ખાતે અદ્યતન બનેલા સ્વિમિંગ પુલનું લોકાર્પણ, વિકાસ કાર્યનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પણ અમિત શાહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું। પાંચા તળાવ અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની જાહેરનામું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જાહેર સભાનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું। એ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે દર વર્ષે વિકાસના કામો થઈ રહ્યા છે, ખૂબ લોકોપયોગી કામો ગાંધીનગર લોકસભામાં થયા છે। જાહેર સભાને સંબોધતા કેન્દ્ર ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને ગુજરાત સરકારનો આભાર માનવા માંગુ છું કે આજે 1,000 કરોડના કામો પૂરા કરીને જનતા માટે ખુલ્લા મૂક્યા છે। એમાંથી 730 કરોડના કામો ગાંધીનગર લોકસભામાં અને બીજા કામો બીજા બે લોકસભા વિસ્તારોમાં કર્યા છે। હું છેલ્લા 5 વર્ષથી સંસદ સભ્ય તરીકે ચૂંટાયો, એક પણ વર્ષ એવું નથી કે જ્યારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને રાજ્ય સરકારે ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારમાં વિકાસના કામો ન કર્યા હોય। એના પરિણામે સમગ્ર દેશમાં અમદાવાદ શહેર અને ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારમાં સમગ્ર દેશમાં વિકાસના નવા રેકોર્ડ તોડી રહ્યા છે। તો હવે અમિત શાહ પંડિત દીનદયાલ હોલમાં સીએ અંતર્ગત પ્રમાણપત્ર વિતરણ કાર્યક્રમમાં હાજર હતા અને નાગરિકોને પ્રમાણપત્ર આપ્યું। આ પછી તે નારણપુરામાં નવી મામલતદાર કચેરીનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે અને છેલ્લે તે નારણપુરમાં કાર્યકર્તાઓના સંમેલનમાં પણ હાજર છે। बात के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता जो मंत्री अमित भाई शाह है वो आज गुजरात के दौरे पर है, जिसके जिस दरमियान वो जिस तरह जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर सम्मिलित होने वाले हैं। जो नागरिकता प्रमाण पत्र जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आज 188 लोगों को जो है वो नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अहमदाबाद के अंदर जो बोड़कदेव है, बोड़कदेव के अंदर जो पंडित दीनदयाल जो हॉल है यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखा गया है, जिसके इस कार्यक्रम के अंदर जो जो बाहर से जो हिंदू प्रवासी जो नागरिक है उनको जो है वो नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो है वो दिया जाना है। कुछ नागरिक जो है जिनको प्रमाण पत्र दिया जाना है ऐसे जो लाभार्थी है वो यहाँ पर हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? जीवन भाई रबारी, राजा भाई। जीवन भाई रबारी, आप कितने साल से वैसे यहाँ? 2014 में आया था मैं। आप 2014 में यहाँ पर आए थे, कहाँ से आए थे आप? सिंध पाकिस्तान, मोरबी। सिंध पाकिस्तान से आए थे, किस तरह से आप यहाँ पर आए? यहाँ ट्रेन में अटर बॉर्डर में, पची जोधपुर, जोधपुर से मोरबी। अच्छा, किस प्रकार की तकलीफों का आपको सामना करना पड़ा जब आप आए यहाँ पर? रिश्तेदार हमारे जूना पहले कच्छ तो ना तरवन भवन बदो कच्छ हमारे सगे वाले बदो कच्छ चार दो वहाँ पचे इन तकलीफ पड़े आवो पड़े। 2014 में मैं आया था यहाँ। 2014 में आए? आया था। अब आपको नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने वाला जो खूब खूब अमित शाह भाई का खूब खूब अभिनंदन। एक महिला भी है हमारे साथ जो यहाँ पर है वो जुड़ चुकी है। क्या नाम है आपका? मीरा बेन। मीरा बेन, कहाँ से है आप? अंडोलियार। हाँ, अंडोलियार। अंडोलियार, आप आज आपको नागरिकता प्रमाण पत्र, कितने साल से आप अभी यहाँ पर रह रहे हैं? 15 वर्ष। हाँ, 15 वर्ष। 15 वर्ष, 15 साल से। हाँ। अच्छा, क्या अमित भाई के द्वारा आज नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यानी कि ऐसे कुल जो 5 जितने जो लोग हैं उनको नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाना है। एक चाचा भी है, वो भी यहाँ पर है। क्या नाम है आपका चाचा? वैरसी, वैरसी जेमल। वैरसी भाई, कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम 95 साल रह रहे हैं। 95 साल। हाँ। तो नागरिकता प्रमाण पत्र आपको नहीं मिला था? नहीं। आप आए थे कहाँ से? खावड़ा बॉर्डर से। खावड़ा बॉर्डर से। खावड़ा बॉर्डर। हाँ। तो आप आज आपको नागरिकता प्रमाण पत्र केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा दिया जाएगा? अभी दिया जाएगा, बोला देगा आपकी अच्छा है साहब, आया नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह। यानी कि ये उसके अलावा भी जो जितने भी जो बोर्ड मारे हुए हैं सभी जगहों पर, जो जैसे मेहसाणा है, सुरेंद्रनगर है, राजकोट है, बड़ौदा है, वैसे इन सभी जगहों पर
जो है वो नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वो इनको जो है वो दिया जाएगा। कुल जैसे मैंने बताया कि कुल 188 जितने जो लोग हैं जिनको नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाएगा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के द्वारा। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। हम यहाँ पर 11 ईयर से रह रहे हैं, वहाँ से हम सखर सिंध में से थे। हाँ। यहाँ पे 11 साल हो गए हमें। 11 साल हो गए जी। अच्छा, वहाँ से यहाँ कैसा डिफरेंस लगा, पाकिस्तान में क्या डिफरेंस लगा, भारत में क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस यहाँ पे गर्ल्स के लिए ज़्यादा सेफ्टी है, गर्ल्स के लिए अच्छे यहाँ पे है, जो भी है पूरा गवर्नमेंट का है। वहाँ पे इतना नहीं था हमें, वहाँ पे हम स्टडी के पर्पज़ से मेन आए हैं, क्योंकि हमारे पापा का बहुत मन था कि हम आगे स्टडीज़ करें। हमें वहाँ पे कोई इतने वो नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थे स्टडीज़ की इसके लिए, और इतनी वहाँ पे सेफ्टी नहीं है इसके लिए। अब नागरिकता प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, भारत के नागरिकों को मिल रहे सारे लाभ आपको मिलेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हमें इतनी ईजीली नेशनलिटी मिल रही है। हम ये गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल हैं कि हमें इतना ईजी मिल रहा है विदाउट एनी, तो उसके लिए हम बहुत उनके शुक्रगुजार हैं कि ईजीली हमें वो दे रहे हैं, और इतने कम शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि बहुत सारा कुछ पेंडिंग रह जाता है नेशनल ना होने की वजह से, और हमें मिल रहा है तो हम बहुत थैंकफुल हैं कि हम जो हमारे बाकी हैं काम वो नेशनल के हिसाब से हम वो कर पाएंगे आगे। वहाँ पे एक्चुअली गर्ल्स के लिए इतना सेफ़ नहीं था वहाँ पे, और जो सहूलतें हमें यहाँ मिलती है वहाँ पे गर्ल्स के लिए नहीं थी, इवन किसी के लिए भी नहीं थी, और रात के टाइम पे निकलना भी मुश्किल हो जाता था बिकॉज ऑफ जो चोरी वहाँ पे रहती है, चोरी चखारी होती रहती है, तो उस वजह से। बट यहाँ पे सेफ है और अच्छा है। कितना उत्साह है आपको नागरिकता मिलने जा रही है? बहुत ज़्यादा है, हम कब से वेट कर रहे थे कि हमारा प्रोसेस कम्प्लीट हो, बट अभी विद इन 1.5 मंथ में ये चीज़ हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। केंद्र गृह मंत्रालय अने अमित शाहे पोते